धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अंदर हम जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट किया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाई जा चुकी है, बीकॉम सेकेंड ईयर और दूसरी क्लासेज में भी, जहां पर कॉस्ट अकाउंट के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिन जिन क्लासों में, उन सभी क्लासेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आखिर ये प्रॉब्लम किस तरह की है और इसकी समस्या जो है आखिर कहां तक हमारे समझ में आएगी और कहां तक नहीं आएगी, इसको बाकायदे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू टू डिफरेंट व्हीकल ए एंड बी कंप्यूट कॉस्ट पर रनिंग माइल। यहां क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि ए और बी दो प्रकार के व्हीकल दिए हुए हैं जिसके माइलेज रन्स यहां पर जो दिया गया है एनुअल 30,000 यानी 30,000 और दूसरे में बी में 20,000 माइलेज है। इसकी कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, लाइसेंस फीस एनुअल 1500 रुपए 1500, इंश्योरेंस एनुअल 1400, गैरेज रेंट 1200 और सैलरी एंड वेजेज 2400 एंड ड्राइवर्स वेजेज पर आवर 6 रुपीज। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 1.2 रुपीज, माइल रन पर लीटर, इस गाड़ी का एवरेज है ये 8 मील प्रति लीटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल 3.50 रुपीज एंड टायर एलोकेशन पर माइल 0.75 एंड एस्टिमेट लाइफ ऑफ व्हीकल माइल्स के हिसाब से 2,00,000 माइलेज इस गाड़ी का लाइफ है। इसके बाद इंटरेस्ट जो कि गाड़ी की जो कीमत है उसका 5% चार्ज किया जाता है एनुअल और यहां पर गाड़ी का जो एवरेज है वो 30 माइल पर आवर का है, यानी गाड़ी एक घंटे में 30 किलोमीटर 30 माइल चलती है। यहां पर माइल्स में हमें सब चीज कैलकुलेट करके दिखाना होगा। माइल का जो बेस है जो कि हम यहां पर बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो हमारे लिए होता है यहां पर माइलेज रन और इसका बेस पीरियड। यदि हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है तो हम ये मानते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है तो हमारी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले जब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि इसका बेस पीरियड क्या है और इसका इफेक्टिव किलोमीटर आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम व्हीकल ए का बनाएंगे, यहां पर लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट। इसको लिखने के बाद यहां पर ध्यान देंगे, यहां लिखिए इफेक्टिव माइलेज या माइल्स, यहां पर इफेक्टिव माइल्स है 30,000 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद इस तरफ लिखेंगे सेम इसके सीध में यहां पर बेस पीरियड है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सीधा नजर आएगा बेस पीरियड यहां पर इस कोने पर लेफ्ट साइड में बेस पीरियड होगा। इस सवाल के मुताबिक बेस पीरियड 1 ईयर का है। इसके बाद इसका फॉर्मेट रेडी होगा और इस फॉर्मेट के हिसाब से ही हम सारी रकमों को यानी सारी अमाउंट्स को हम फिल करेंगे। यहां पर एनम शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि हमारा बेस पीरियड 1 ईयर का है तो इसकी इन्फॉर्मेशन पर एनम के हिसाब से लिखी जाएगी और ये लास्ट कॉलम यहां अगर माइल है तो यहां पर माइल लिखा जाएगा, यहां पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे। उसके बाद इसके खर्चे को जैसे कि हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हम खर्चों को दो भागों में बांटते हैं,
पहला पार्ट होता है स्टैंडिंग चार्जेज का। ये पार्ट ऐसा होता है जहां पर खर्चे जो लिखे जाते हैं ये खर्चे कभी बदलते नहीं है, फिक्स होते हैं एक प्रकार से। तो इन खर्चों में यदि हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ऐसा कौन सा खर्चा है जो फिक्स है, तो यहां पर ध्यान देंगे लाइसेंस फीस एक साल का ही है 1500 का, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे लाइसेंस फीस। ध्यान देंगे एक एक पॉइंट पर, पहले हम व्हीकल ए का बनाने चल रहे हैं। जब हम ए का बना लेंगे तो आप बी का आसानी से बना सकते हैं। लाइसेंस फीस जो कि 1500 है, ठीक इसी तरह से इंश्योरेंस भी एक साल का दिया हुआ है जो कि 1400 का है। इसके बाद गैरेज रेंट ध्यान से देखेंगे तो ये गैरेज रेंट है जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यहां पर आसानी से देखी जा सकती है। गैरेज रेंट यहां पर 1200 का है और सैलरी एंड वेजेज ये सारे खर्चे एक साल के दिए हुए हैं। इसमें अगर पर मंथ का होता तो पर मंथ का स्पेशली लिखा जाता, यहां सैलरी एंड वेजेज के सामने पर एनम शब्द नहीं लिखा है, जिसको ये माना जाएगा कि यह भी एक साल का ही है। तो यहां पर गैरेज रेंट की बात करें तो गैरेज रेंट यहां पर 1200 यानी 1200 रुपए 1200 है और सैलरीज एंड वेजेज की जो रकम है ये 2400 की है। इसके बाद जब आपने देखा यहां पर ये सारे खर्चे स्टैंडिंग के होते हैं, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, सैलरी एंड वेजेज। इसके बाद ड्राइवर का वेजेज पर आवर दिया हुआ है यहां पर, तो जो ड्राइवर की सैलरी है वो फिक्स है 6 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। और गाड़ी का जो एवरेज है, गाड़ी का एवरेज अगर बात करते हैं तो 30 माइल्स लिखा हुआ है प्रति घंटे का है, जिसका मतलब है गाड़ी जो चलती है इनकी वो चलती है 30 हजार माइल का मतलब हुआ 30,000। इस 30,000 माइल को हम आवर में चेंज करेंगे, घंटों में बदलेंगे, तो 30,000 को पहले हम 30 से डिवाइड करेंगे यानी कि 30 से डिवाइड करके घंटों का यानी आवर्स का पता चलाएंगे। जब हमें आवर्स का पता चल जाएगा तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे यहां पर ड्राइवर का जो रेट दिया गया है वो 6 रुपीज प्रति आवर का दिया गया है। तो यहां पर जब हम लिखेंगे ड्राइवर वेजेज तो यहां पर ध्यान देंगे 6,000 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर ध्यान देंगे तो 30,000 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे यानी 30 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30,000/30 इससे हमारे घंटे का पता चल गया और 6 रुपए वेजेस है प्रति घंटे का, तो ड्राइवर की सैलरी जो है वो हो गई 6,000 रुपए की। इसके बाद एक पॉइंट और है जो स्टैंडिंग में आने की संभावना में है और वो है इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। व्हीकल की कीमत है 50,000 रुपीज, इसका 5% काटेंगे तो 25 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, और यहां लिखेंगे 2500 रुपए। इस प्रकार से हमने स्टैंडिंग के सारे खर्चों को देखा और लास्ट में एक खर्चा और बचता है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पर चार्ज होता है। यहां पर कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 50 यानी 50,000 और गाड़ी की जो लाइफ है यहां पर एस्टिमेटेड लाइफ गाड़ी की वो 2,00,000 है, तो हम 50,000 को पहले 2,00,000 से डिवाइड करेंगे, इससे हमारा जो यहां डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 1 माइल का पता चल जाएगा। उसके बाद हम 30,000 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 30,000 डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, इसका मतलब होता है कि 30,000 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमें पता चल जाएगा। यहां पर डेप्रिसिएशन की यदि बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो 50,000 का लिखा हुआ है और इसका जो लाइफ है वो 2,00,000 का फिक्स है और इसके बाद उसमें से हमें 30,000 का चाहिए। तो यदि हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं और
तो हम देखते हैं यहां पर 7500 प्राप्त होगा जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज है। इसके बाद यहां पर टोटल स्टैंडिंग चार्जेज करेंगे, लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेज कितना हुआ, इसमें हम सभी खर्चों को जोड़ देंगे स्टैंडिंग के। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे ये सारे खर्चे कितने होते हैं, 10,000, 10,600, 2,18, 1,19, 1,20, 21, 22,500, 22,500 टोटल एक्सपेंसेज होता है। यहां पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर, पर माइल, ज्यादातर ध्यान आ जाता है मशीन आवर रेट का। तो यहां पर माइल करेंगे तो यहां पर 22,500 को हम इसके माइल से, इसका जो टोटल माइलेज है वो एक साल का 30,000 माइल्स यहां पर दिया गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया है। तो यहां देखेंगे हम इसी 30,000 से डिवाइड करेंगे, इसको 30,000 से डिवाइड करने पर हमें जो रकम प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 75 पैसे, यानी 0.75 पैसे। इसके बाद हम वेरिएबल चार्जेज को लिखते हैं। वेरिएबल चार्जेज वे चार्जेज हैं जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू आवर, अकॉर्डिंग टू किलोमीटर चेंज होते रहते हैं। इनके खर्चे मोस्टली पर माइल में, पर किलोमीटर में, पर आवर में, पर टन किलोमीटर में लिखे हुए देखे जा सकते हैं। तो यहां सवाल के मुताबिक हम चलते हैं तो देखते हैं यहां पर लिखा है जो डीजल है, डीजल ही हमारा रेट होता है। तो यहां पर डीजल जो है ऑपरेटिंग के अंदर वेरिएबल चार्ज माना जाता है क्योंकि डीजल और पेट्रोल ये ऐसे खर्चे हैं जो कि इनका कुछ पता नहीं होता कितना खर्च हो जाएगा। यहां पर डीजल का जो रेट है वो है 1.20 प्रति लीटर, एक लीटर का 1.20 रुपए दाम है। हमारी जो गाड़ी यहां चलती हुई दिखाई दे रही है वो है 30,000 को पहले हम 8 से डिवाइड करके पता लगाएंगे कि कितना लीटर डीजल लगा है, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई 1.20 रुपए से करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि टोटल कितना रुपए का डीजल खर्च हुआ है। तो सबसे पहले डीजल की बात करेंगे, डीजल का जो खर्च है सबसे पहले 30,000 को 8 से डिवाइड करके हम डीजल का पता लगाएंगे, इसके बाद 1.20 से मल्टीप्लाई करके एक साल के डीजल का हम पता लगा लेंगे जो कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर 4,500 प्राप्त होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे ध्यान से तो यहां लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल, एक माइल का जो यहां पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो 3.50 रुपए, 3.50 है, जबकि हमें 30,000 माइल का चाहिए। तो 30,000 माइल्स का पता लगाने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर बात करेंगे तो ये खर्चा जो है लगभग मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,000 से इसको, तो 30,000 इंटू 3.50, तो ये 1,05,000 रुपए का टोटल एक्सपेंसेज रिपेयर मेंटेनेंस का होता है। इसके बाद और देखेंगे तो टायर, टायर का खर्चा 75 पैसे पर माइल ऑलरेडी बताया जा रहा है, तो यह भी यदि हम 30,000 माइल का टायर देखेंगे तो 30,000 माइल्स के लिए इसको 0.75 को हम 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 22,500 रुपए, 22,500 प्राप्त होगा। और तीन प्रकार के इन खर्चों को हम जोड़ करके टोटल वेरिएबल चार्जेज पता लगा लेंगे। यहां लिखेंगे टोटल वेरिएबल चार्जेज, टोटल वेरिएबल चार्जेज कितना होता है यह चेक कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को 22,426 और 5,32, 1,32,000 रुपए टोटल होता है, 132,000। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जो यहां पर टोटल एक साल का माइलेज है वो है 30,000, यानी 30,000, 30,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1,32,000 को, तो हमें वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर का पता चल जाएगा। तो यहां लिखेंगे वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर, पर माइल
132,000 को डिवाइड करेंगे 30,000 से, 30,000 से डिवाइड करेंगे तो 4.40 हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार से वेरिएबल और स्टैंडिंग दोनों खर्चों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 5.15 यानी कि 5.15 प्राप्त होगा, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर माइल। यहां पर आपने आसानी से देखा कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया गया। इसका आंसर मैच करने पर यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है कॉस्ट पर माइल ए व्हीकल का 5.15 है। तो इस प्रकार से हमने ए व्हीकल का सॉल्व कर लिया। आप इसको आसानी से बी व्हीकल का भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्वाति प्रकाशन की बुक है, बुक कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसी राइटर की बुक हो, बशर्ते कि सवाल समझ में आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप जो है अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारी मदद करिए, इसको शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। और अधिक वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में जरूर अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।